आसिफ फ्रॉम ओवरसीज़ मेडिकल स्टडी। आज हमारे यहाँ से कुछ बच्चे जा रहे हैं ओस मेडिकल कॉलेज किर्गिस्तान, और आज अभी मैं आपको उन सब से मिलवाने जा रहा हूँ। क्या नाम है? आई एम नेहा, आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई एम गोइंग थ्रू आरिफ सर एंड हिज सर्विस इज द बेस्ट। इवन आई हैव डिसाइडेड टू गो एट लास्ट मिनट बट ही prepared me my everything, each and everything. I had to prepare my luggage only, no worries at all. And हम लोग आज 30 students जा रहे हैं और सब कुछ सही है, अच्छा लग रहा है। Means finally लग रहा है कि we are going to be a good doctor. आपका क्या नाम हुआ सर? विवेक। और तो विवेक, आप ये बताइएगा कि आपने जो डिसीजन लिया है इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्री में जाकर के एडमिशन लेने का उस मेडिकल कॉलेज में, तो आपको कैसा लग रहा है ये डिसीजन लेकर के कि आपने सही किया या कैसा लगा? सर डिसीजन सही लगा है, इसलिए तो जा रहे हैं हम बाहर। और बाकी यहाँ तो ऐसा है, इतने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो वहाँ सही है, ठीक हो अमाउंट वगैरह। मतलब कि यहाँ से आपको वहाँ कॉस्ट बहुत कम पड़ रहे हैं और कॉलेज के जो रेपुटेशन है वो भी इस मामले में यहाँ से बेहतर है। और मैंने देखा है, मैंने रैंकिंग देखी है और मैंने उसी हिसाब से कॉलेज चूज़ किया और सही लगे मुझे, अच्छा कॉलेज है। और अब तो खैर कि जो लोग डर रहे थे फॉरेन जाने से कि नेक के एग्ज़ाम देना पड़ता है, अब तो खैर दोनों जगह के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे इंडियन स्टूडेंट भी हो गए उन्हें भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेक्स्ट का। हाँ तो सही हो चुका, तो बेहतर है कि हम लोग क्यों ना बाहर से जाएँ, इसमें अब डरने वाली कोई बात है ही नहीं, तो सबको ही देना है वो। ठीक है मिस्टर विवेक, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम मैडम? मोहन प्रिया। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस टू बी विद आवर सर्विसेज? इट वाज गुड। सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो टू किर्गिस्तान इन ओस मेडिकल कॉलेज? व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट? कॉस्ट वाइज इज सो इजी, आई मीन इवन स्टडीइंग इन फॉर 5 lakhs BDS इन तमिलनाडु, इट्स मोर फेवरेबल फॉर अस टू स्टडी इन ओश इन दैट कॉस्ट। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए वेरी चीपर देन कॉलेज कॉस्ट आवर स्टूडेंट्स कंपेयर टू इंडियन कॉलेजेस, इट्स मोर चीप, दैट इज द मेन थिंग। थैंक यू।